यार आओ भैया, क्या हाल चाल है? तो मैं जा रहा हूँ गोवा, और पाउलो ट्रेवल्स की बस है जो कि नवलखा से मिलती है, और किराया इसका 2000 रुपये है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बस छूटने वाली है। बस की सीट की बात करें तो सीट तो काफ़ी क्लीन है, हाइजीन है, शू रैक, बॉटल रैक, एसी के दो दो डक्ट है, लाइट है पर फिलहाल बंद है, और चार्जिंग पॉइंट बैक साइड है, और इस साइड में कर्टन्स लगे, इस साइड में कर्टन्स लगे। भैया पूरे 3-3.5 घंटे बाद 8:30 बज रही है, अभी बस रुकी है। तो बस के बारे में ये बता रहा था, ये बस नवलखा से मिलती है, विक्रम टावर के पास ये खड़ी हुई दिख जाएगी, उसके जस्ट पास में ऑफिस है। तो मैंने ऑफिस से बुक तो नहीं किया, मैंने किया पेटीएम से बुक, तो 2000 रुपये की टिकट पड़ी है अपने को। ये गोवा के पंजीम का जो स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाएगी, और अपनी ये जा रही है अपने आगरा बॉम्बे वाले हाईवे से, तो मतलब ये पुणे होते हुए जाएगी। अभी मेरे को एक्चुअल पता नहीं, लास्ट टाइम मैं गया था हंस वाली बस से गोवा, उसका वीडियो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, इधर या इधर बटन आ जाएगा, उस पर टैप कर देना अगर हंस वाली बस का रिव्यू देखना है, कि उससे भी मैं गोवा होके आ चुका हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखिए तो ये बस काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है, और ऊपर स्लीपर में भी इनने बैक सपोर्ट में काफ़ी अच्छी सीट दे के रखी है, वो भी अच्छा लगा है, और एसी भी ठीक ठाक है और बढ़िया है। बस ये एक हमेशा मुझे लगता है कि जब गोवा वगैरह के निकले निकलते हैं अपन, तो अपने को गोवा वाले लोग भी दिखते हैं बस में, उसमें सब जगह की बस है, मनमाड़ की भी है, शिरडी की भी है, तो एक से मिक्स पीपल दिखते हैं। और अब केदारनाथ होके आया हूँ और लिफ्ट वगैरह से होके आया हूँ, तो थोड़ा सा बोरिंग लग रही है अभी ट्रिप, बाकी देखते आगे। बाकी बस काफ़ी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, कोई कंप्लेंट नहीं है। और अभी एक रेस्टोरेंट ढाबे पर रुकिए, खाना वाना खाते हैं और बताते आगे क्या। पाउलो ट्रेवल्स गोवा, देखते खाने में क्या है। हंस के मुकाबले ये बस मुझे अभी तक काफ़ी अच्छी लगी। देखो पहले इन्होंने टॉयलेट के लिए बहुत बार गाड़ी रोकी, अभी इन्होंने लेडीज़ टॉयलेट के लिए देखो एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी है, ताकि जो भी फीमेल्स हैं वो टॉयलेट वगैरह कर ले। मतलब बाकी जो हंस में आया था वो भाई बस उसने पूरे रास्ते में 2 ही बार रोकी थी, और अभी तो हम कुछ महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। रात चुकी है और आ चुके हैं भी जय हो साईं। होटल नील कमल, अब रुकी है बस सुबह का नाश्ते के लिए, कुछ
कुछ पैसेंजर तो झगड़ा कर लिए कि भाई नाश्ते के लिए बस कब रुकेगी। मौसम काफी क्लियर है तो काफी अच्छा लग रहा है, ये बादल और नीला आसमान। तो बस अब सुबह की चाय पी लेते हैं और शुरू करते हैं आगे का रास्ता। बस ना अब ऐसा लग रहा है कि वो जो ऊपर वाला सेक्शन है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर 6 फीट का इंसान है तो उसको बैठने में प्रॉब्लम आएगी, और 6 फीट से ज़्यादा अगर हाइट है तो उसको लेटने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो सेक्शन काफ़ी छोटा लगता है अब मुझे लग रहा है। बाकी अदरवाइज यहाँ कॉर्नर में सीट दे के रखे तो बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है, और अब तक सफ़र बढ़िया ही है इस बस में। आगे की बताते हैं। तो आज सुबह के नाश्ते में है वड़ा सांभर, यहाँ पे पोहा और वड़ा पाव नहीं मिल रहा था, पुणे क्रॉस कर दिया है हमने अभी, तो बस इसी से गुजारा हो रहा है आज। इंदौर का पोहा मिस कर रहा हूँ। सुबह 8:30 के बाद अब बस रुकी है 4:30 बजे, तो काफ़ी मतलब खाने पीने के लिए रुकी है, वॉशरूम के लिए तो रुक चुकी है। और ये पीछे पहाड़ दिख रहा हूँ, इस पहाड़ से भी गाड़ी नीचे उतर रही थी, क्या ही नज़ारा था। आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो में आके, ऑसम यार, मतलब आँखों से देखने का जो एक्सपीरियंस है ना ऑसम था। देखते कब तक घुसते, अब थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मूवी वूवी देखते देखते बोर हो गए। तो फाइनली गोवा पहुंच गई है, पाउलो ट्रेवल्स का ये ऑफिस है मापुसा में, यहाँ पर सारे पैसेंजर उतरेंगे और फिर अपने अपने डेस्टिनेशन जाएंगे। बस पूरे 3 घंटे लेट है और कितना अंधेरा हो गया है, मुझे और आगे जाना है। अभी पंजीम उतरूँगा मैं और उसके बाद मैं आगे का सफ़र करूँगा। मापुसा का बस स्टैंड है, मोस्टली सारी बसें यहीं आके आपको उतारती है और आप भी यहाँ उतर सकते हो बस ड्राइवर को बोल के, या तो आप इनके ऑफिस पे भी उतर सकते हो। तो भैया फाइनली पहुंच गए, बस पूरे 4 घंटे लेट थी, मतलब आप देख रहे हो आप 9:30 बज गई है। आप अगर इस बस से गोवा आ रहे हो और 9 बजे के बाद, देखो हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, टैक्सी का भी और सारी चीज़ें का भी, पूरे दिन का रूम का भी चार्ज देना होगा अगर आप होटल में चेक इन वगैरह करते हो तो। और देखो ये बस है यार, बस कभी ट्रैफिक में फंस जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो उस चक्कर में मैं भी लेट हो गया। अब मेरे को इससे आगे और जाना है तो टेंशन है अभी कि किससे जाएंगे। तो और बस का कंपेरिजन करूँ अगर हंस और इसका लेके, तो ये बस क्लीन में अच्छी है, ड्राइवर और कंडक्टर काफ़ी अच्छे थे और उसी का फ़ायदा उठाया कुछ लोगों ने, वो हर 10-15 मिनट में टॉयलेट के लिए बस रुकवा रहे थे जिसके कारण और बस लेट हो गई। तो और इसमें 2 ऑप्शन है, स्लीपर भी है सीट भी है। सीट का किराया है 1700 रुपये और स्लीपर का है 1900-2000 रुपये, ठीक है। बाकी ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस था, लेट होने के अलावा बस में कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
और गोवा आओ तो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर बताना मुझे, rakesh.indori मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ठीक है चलो चलता हूँ, बाय बाय। बस जस्ट ब्रिज के नीचे रुकती है यहाँ पर, और जस्ट इसके सामने अगर अपोजिट साइड जाएंगे तो यहाँ पंजीब का बस स्टैंड है, जहाँ से आपको सारी टैक्सी और दूसरी स्टेट की बसें सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर बस यहाँ रुकती है तो जस्ट आपको उस साइड आपको बस स्टैंड दिख जाएगा वहाँ पर।